और देश में कोरोना संक्रमण की वजह से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना ने पुराने सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। आज प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक पर पूरे देश की नजर है। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक करने जा रहे हैं। शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्रियों की ये बैठक होनी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका कैसे जाए, इसी रणनीति पर चर्चा होगी। वैक्सीनेशन में तेजी लाने को लेकर भी चर्चा होगी। तो शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक, जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने की रणनीति तैयार करने को लेकर चर्चा की जा सकती है। देश में फिर विकराल हुआ कोरोना। लगातार अब आ रहे हैं रोज 1 लाख से ज्यादा मामले। एक्शन में पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। वैक्सीनेशन में तेजी और कोरोना को फैलने से रोकने के तरीकों पर होगी चर्चा। और इस वक्त की बड़ी खबर, आईआईटी रुड़की में बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। रुड़की आईआईटी में एक साथ 60 लोगों को कोरोना हो गया है। 5 हॉस्टल सील कर दिए गए हैं। छात्रों और स्टाफ के लिए अब तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कई छात्र और स्टाफ संक्रमित हुए हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हरिद्वार के लिए रेफर कर दिया गया। देश भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस का खतरा फिर से स्कूल कॉलेज पर मंडराने लगा है। कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, तो कहीं परीक्षाएं भी टाल दी।